जिस खान सर की क्लास में हर वक्त देशभक्ति राष्ट्रवाद की बात होती है, जिनसे तालीम पाने के लिए लाखों बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, जो देश को समाज को अपने ज्ञान से जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी पढ़ाई के जरिए समाज में फैली कुरीतियों पर आघात करता है, उसको क्यों विवादों में घसीटा जा रहा है? क्या कीजिएगा, 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साफ, एक दो गो रहे सब, तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा अच्छा कमेंट सुनने को मिला होगा। सबसे जबरदस्त ये कमेंट पढ़िए, जतिन गुप्ता जी ने कह रहे, कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए, ये होता है सेकुलरिज्म। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पर आए ही नहीं थे। अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी होगी। दरअसल खान सर के इस इमोशनल संदेश के पीछे की वजह है धर्म के वो ठेकेदार जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने के एजेंडे में लगे और खान सर के नाम के पीछे फसाद करना चाहते हैं। जी हिंदुस्तान से भी बात में खान सर ने बड़ी बेबाकी से अपनी सोच साझा की थी। आप जी हिंदुस्तान पर हैं, मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है। आपकी बात हम सर आंखों पे रखते हैं, लोग हमें जो कहते हैं, देखिए हमारे दो नाम फेमस हैं जो आप बता रहे हैं कि एक अमित सिंह एक फैजल खान। हाँ। तो देखिए अमित सिंह तो एकदम गलत है, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता। सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर शुरू हुआ विवाद इसी वजह से जोर पकड़ता जा रहा है। महज कुछ सालों में पटना के खान सर को शहर शहर का हर बड़ा और बच्चा जान गया, और अब उनके नाम पर विवाद करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो कुछ धर्म की आग जला रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम सुनते हैं एक देशभक्त टीचर खान साहब को, जिनके ऑनलाइन टीचिंग ऐप यूट्यूब में सबसे ज्यादा 94 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन्हें वो जातिवादी कठपुतले ट्रोल कर परेशान कर रहे, जो कभी शाहीन बाग जैसे मुद्दे को लीड करा के देश को तोड़ने की बात करते थे। आइए सुने कुछ फेमस कठपुतलों के साथ इन्हें देश मुस्लिम कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मुझे नीड है आपके सपोर्ट की, थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसकी शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं शोएब जमई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और सीनियर रिसर्चर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। सैयद जब्बार साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता। और शबनम खान, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन उससे पहले मैं पटना का रुख करूंगा आशुतोष का, उनके साथ कुछ छात्र वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष जरा वहां पर छात्रों से पूछिए, खान सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, उनको तो पहले मजहब और नाम के नाम पर घसीट लिया गया, अब खान सर इतने हाथ हो गए कह रहे हैं कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे। छात्र क्या कह रहे हैं, छोड़ देना चाहिए खान सर को यूट्यूब? कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, लॉकडाउन और बारिश के बीच में हम लोगों के साथ आए हैं। खान सर ने कहा है कि वो यूट्यूब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फैसला सही है? अगर वो यूट्यूब छोड़ते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए उनका ये फैसला तो हम लोग नहीं कहेंगे खान सर यूट्यूब छोड़े, जिससे कि अगर यूट्यूब छोड़ते हैं तो हम जैसे पढ़ने वाले मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें वो हम लोग को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीजें अगर हम कोचिंग में लें तो हमें भारी भरकम फीस देना पड़ेगा, हमारे लिए तो एक तरह से लॉस ही है। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, वो तो चाहते हैं कि छोड़ दें जिससे कि उनका फायदा हो जाए, पर हम लोग उनसे एक अनुरोध करेंगे कि सर हम एक शॉर्ट में ये बताइए कि खान सर छोड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर वो यूट्यूब छोड़ देंगे तो आप यूट्यूब पर बने रहेंगे? नहीं देखिए, यूट्यूब पे हम लोग रहते हैं क्यों, इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नॉलेज मिलता था, लेकिन खान सर जब से यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमें मतलब इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज। आशुतोष सिंह, छात्रों से सीधा पूछिए, खान सर से प्रॉब्लम किसे? हम लोग देख लेते हैं, कट्टरपंथियों को इतनी दिक्कत क्यों खान सर, क्योंकि हमारा क्यों उनके पीछे राशन पानी लेकर पड़ गए हैं ये कट्टरपंथी, जरा सीधा सवाल पूछिए उनसे। और खान सर 200 रुपए में मात्र आपको पूरा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं। एक चीज बताइएगा कि खान सर के पीछे कट्टरपंथ समाज के लोग क्यों पड़ गए हैं, क्यों कट्टरपंथी उन्हें
परेशान कर रहे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता, हमें उनसे मतलब नहीं है। खान सर का नाम अमित सिंह हो या कोई भी खान हो, हमें नॉलेज से मतलब है। स्टूडेंट्स को क्या मतलब है? अगर कोई भी बंदा आपको यूट्यूब पे और एप्स पे अपना नॉलेज शेयर करके अब आपको एक प्रोडक्टिव नॉलेज दे रहा है, तो आप उनको उनसे मतलब रहना चाहिए ना। कट्टरपंथी क्यों खान सर के पीछे पड़ गए हैं? ये कट्टरपंथी आज हमारे समाज में ट्रेडिशन चला गया है, और सब चीज कोई भी मैटर हो, कहीं भी हो, अभी कोरोना का मैटर है, कोई किसी को बात नहीं। ये कंट्रोवर्सी बना करके कुछ ऐसे यूट्यूब वाले जो हैं अपने यूट्यूब को यूट्यूब के व्यू को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण ऐसी बात ये चल रही है। ये बताइए खान सर, अगर यूट्यूब छोड़ देते हैं तो आप लोग यूट्यूब देखेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत असर पड़ेगा, हम लोग भी छोड़ेंगे, क्योंकि खान सर के मतलब ये समझाने का एक खाटी तरीका जो बिहारी लैंग्वेज में होता है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे पटना या फिर इस बिहार में किसान फैमिली के बच्चे जो है तो जनरल कमीशन का तैयारी करते हैं, जिसका वो छात्र क्या सोच रहे हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं, इनकी राय तो साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर नजर आ गई। मैं जल्दी से मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। शोएब जमाई साहब, क्या दिक्कत है कट्टरपंथियों को, क्या दिक्कत है खान सर से? जी देखिए, पहली बात तो ये नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है चैनल के जरिए से या फिर अभी कई मीडिया के जरिए से कि भाई हम लोग बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं और हम चाहते हैं कि खान सर के नाम और मजहब की वजह से हमारा हंगामा बरपा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी जनता समझ ले कि खान सर के नाम अमित होने से या फैसल होने से हमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही हम खान सर के मजहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। मैं शोएब जमाई, हमने ही मुहिम चलाई है और हमने शुरुआत से ये क्लियर कर दिया कि हम खान सर के मजहब के या नाम के पीछे नहीं पड़े हैं। बल्कि जब हमने सोशल मीडिया पे माइनिंग की, जब रिसर्च की, तो ये पता चला कि खान सर जो अपनी कंटेंट जो वीडियो बनाते हैं उसमें उन्हीं शब्दावली और ऐसे लफाजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आईटी सेल इस्तेमाल करता है या आरएसएस मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए, मैं कहते हैं कि जी मैं आपको यहां पर टोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं खान सर अपने वीडियोस में जो बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आरएसएस वाले इस्तेमाल करते हैं, वो ठेठ भाषा में समझाते हैं, कई बार वो ऐसे शब्द कहते हैं जो आजकल गायब हो गए, आपको गांव देहात में वो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और जो उस कोचिंग में आते हैं बच्चे, उनका परिवेश अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है जो समझ जाएंगे, तो उनको समझाने का एक तरीका है। और शायद उनकी और शायद यही वजह है कि इतने ज्यादा पॉपुलर है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं काउंटर करूंगा इस बात को। देखिए, आप ये समझते हैं कि शोएब जमाई कट्टरपंथी है। सर, मेरा एकेडमिक नहीं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप कट्टरपंथी हैं, आप खुद अज्यूम कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप कट्टरपंथी? सुनिए ना सर, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जामिया में, और मेरे स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी करने आते हैं, तो हमको भी मनोविज्ञान का और स्टूडेंट साइकी और टीचर के साइकी का पता होता है। एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहूंगा एक मजहब के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में कि वो तो पंचर छाप है या 18-15 बच्चे पैदा करने वाले। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की बातें कहेंगे तो जो 11वीं 12वीं में बच्चा जो पढ़ने वाला, आप कह रहे हैं कि पंचर छापने वाले 18-19 बच्चे, जबकि बार बार खान सर ने कहा कि वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। पता नहीं यहां पर हिंदुस्तान में रहने वाले ऐसे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। अंबर जैदी कुछ रिएक्ट करना चाहती है। अंबर जैदी जी, चले, अंबर जैदी की आवाज नहीं आ पा रही है। शबनम खान, इसी का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि खान सर एक कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, खान सर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस वाला इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वही बात कह रहे हैं जो ट्रोल हो रही है कि वो संघी है। जबकि ये बंदा, ये शख्स, ये 29-30 साल का ये लड़का खान सर जिस नाम से पुकारा जाता है, ये कह रहा है कि साहब मुझे किसी से नहीं लेना देना, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। जी, इनको प्रॉब्लम ये है कि वो इतना अच्छा पढ़ा रहे तो मुस्लिम भी पढ़ जाएंगे और हिंदू भाई तो पढ़ ही जाएंगे। इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया या क्या शब्द कहे थे। इनको प्रॉब्लम है मुसलमान पढ़ के ना चला जाए कहीं, एजुकेशन ना ले ले कहीं ढंग से उसको, अगर मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि इनको तो माल काटने की आदत है। शोएब जमाई से पूछिए कि कौन सा संघी भाषा है पंचर लगाना। क्या आपके बच्चे पंचर नहीं लगाते? सबसे ज्यादा अगर पंचर लगाने पे भी कह दिया तो बचपन में कान मरोड़ मरोड़ के हर टीचर कहा करता था कि क्या फ्रूट की थैली लगाओगे, क्या आप जूते गांठोगे, इस तरीके की बातें कह देते थे टीचर बचपन में। इसमें कोई बुरा मानने की बात है? आपको तो बल्कि खान सर का धन्यवाद करना चाहिए कि हर बच्चा उनसे फ्री एजुकेशन ले पा रहा है। आप लोग तो मोटी मोटी फीस रखते हो ट्यूशन देने के लिए भी। कितने मुसलमान बच्चों को फ्री पढ़ाया आपने, बताना जरा।
संघ का और उसका मतलब पढ़ने नहीं दोगे बच्चों को, अपने पैसे लेकर आ जाओगे। ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है, सुन लीजिए, सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म को बदनाम कर रखा है, सिर्फ ऐसा है कि आप मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना चाहते, सिर्फ ऐसा है कि आप लोगों ने तैयारी करते हैं वो भी मुफ्त में, आपको पता नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं, हम पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम आई आई टी जैसे संस्थान में जाकर पीएचडी करते हैं जो हमसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, बात करके हमने हमेशा सबका कमिटी के बारे में बात की, हमने हमेशा एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट मुसलमानों की सोशल पॉलिटिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट को लेकर बात करते हैं, एजेंडा नहीं तो रखते हैं मुसलमानों को जलील और पत्थरचाप नहीं करते हैं आपके जैसा आरएसएस। अमर जैदी, अमर जैदी और सैयद जवाद को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। अमर जैदी जी, आवाज आप तक पहुंच रही होगी साफ साफ, जरा बताइए, क्योंकि शोएब जमाई साहब कह रहे हैं कि ये जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं, इसका मतलब कि जो खान सर हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अच्छे खासे पॉपुलर हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं। अमर जैदी, अरे बीजेपी के जमाई साहब खुद एक टीचर है, उन्होंने अभी खुद कहा है, और जिस अंदाज में खान सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही सादा और देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, और जिस जगह से खान सर आते हैं उसी क्षेत्र से जमाई साहब भी आते हैं, तो वो खुद जानबूझकर समझते हुए यहाँ पर अपना पाखंड और दोगलापन जो दिखा रहे हैं, कम से कम देखिए अब उनकी हंसी छूट गई, अब सादा शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप, बीजेपी और आरएसएस की शब्दावली बोलते हैं, किस तरह की हिंदी भाषा बीजेपी आरएसएस की शब्दावली पढ़ाते हैं, दिल्ली में बीजेपी आरएसएस का एजेंट है, हमारी राजभाषा है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इस बात को मुझे गर्व है, और मैं वहाँ सीनियर कोचिंग इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, रमना रोड पे किसी जमाने में हमने पढ़ाई की फिजिक्स से मैं पढ़ा करता था, एक अलग बात है, और मुझे पता है कि पटना में किस तरह की कोचिंग माफिया होते हैं जो बच्चों से मोटी फीस ऐंठते हैं, भाई इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं क्या फ्री में पढ़ते हैं, 2,000-2,500 रुपया जो है एक महीने के कोर्स को देने का कोर्स लिया जाता है, उल्टी सीधी बात करते हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है, ये आपने पढ़ाए 2,000 बच्चों को पढ़ाए, इससे मतलब नहीं है, धर्म का विषय है, लेकिन मसला क्या है कि अपने बच्चों को अनपढ़ बना रहे हैं, सैयद जवाद देखिए, शोएब जमाई कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में बच्चों को वहां पर पढ़ाता हूं, तो क्या कोई ग्रामीण परिवेश से आकर के एक एक शहर में बिहार जैसी जगहों पर बच्चों को अगर पढ़ा रहा है और ठेठ देसी अंदाज में, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? पढ़ाने के ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं, वो पढ़ाए ना यूट्यूब से जाए ना, मैं उनके अगेंस्ट में हूं कि पढ़ाए, लेकिन पढ़ाने के साथ सही पढ़ाए, पढ़ाने के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज दे रहे हैं वो सही नॉलेज दीजिए, गलत नॉलेज मत दीजिए, जैसी आप जब बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने की बात करते हैं तो आपको फैक्चुअली बहुत ज्यादा करेक्ट होने की जरूरत है, आप जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ाते हैं तो आप एक तरफा नहीं पढ़ा सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह करके पढ़ाना होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट पढ़ाइए, ना कि कुछ भी पढ़ा दिए, जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर कोई एक नैरेटिव आता है, उस नैरेटिव को लेकर के लोग पढ़ाना चालू कर दें। सैयद जवाद इसका जवाब खान सर ने यह दिया है कि मेरे वीडियो के शुरुआत के 10 सेकंड या बीच के कोई 10 सेकंड निकाल करके क्लिप बनाकर लोगों ने डाल दिया, शायद उन लोगों का धंधा चमक गया, यूट्यूब में कई सारे व्यूज मिल गए, पूरा नहीं देखा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बातें कही, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ सर, जो आपकी जबान है ना, ये आपका जो मिजाज है वो पूरी दुनिया को आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस जगह से आप आते हैं उसकी जबान जो है ना बड़ी खूबसूरत होने चाहिए, जब आप यूएन का मसला पढ़ा रहे हैं तो आप यूएन को बोल रहे हैं कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं सही फैसले नहीं करते, जबकि आप जिन ब्यूरोक्रेट्स को बनाना चाहते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट जाकर के यूएन में बैठते हैं, हमारा विदेश मंत्री यूएन में जाकर के बैठता है, हमारा जाकर के जो है बड़ा बड़ा मिनिस्टर जो है यूएन में जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप बोलते हैं जाकर के कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऊपर तो केस बन जाना चाहिए इस चीज के ऊपर, आप समझिए इस चीज को, अरे आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर अगर फैक्चुअल मिस्टेक है या गलत बता दिया गया है तो उसको आप करेक्ट कीजिए, ये हो सकता है,
पढ़ाने के दौरान हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई सारे विषयों का पंडित हो जाए, सब बात की जानकारी हो जाए। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको करेक्ट कीजिए, लेकिन उसको धर्म से, मजहब से कि ये बीजेपी इंक्लाइंड है, ये जो है आरएसएस वाला है, ये संघी है, तो ये सारी चीजें बीच में लाना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पटना का रुख करूंगा, क्योंकि छात्रों की राय भी जाननी जरूरी है, क्योंकि छात्र भी काफी आहत है। वो कह रहे हैं कि बेवजह खान सर को इसमें घसीटा जा रहा है। आशुतोष जरा यहां पर बताइए, क्योंकि हमारे पैनल में शोएब जमी साहब है, वो कह रहे हैं कि इनकी शब्दावली में, यानी कि खान सर के शब्दावली में ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस वाली चीजें हैं इसमें। कुछ ऐसा पढ़ाते हैं क्या खान सर वहां पर कि तुम बीजेपी को वोट दो या बीजेपी से तुम जुड़ जाओ, ऐसा कुछ है क्या? जरा छात्रों से पूछिए। जरूर जरूर, मैं कह रहा हूँ भैया, ये स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि खान सर जब पढ़ाते हैं तो उसमें बीजेपी और आरएसएस वाली बात सामने आती है। नहीं, ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल और नेशनल पे अपना पॉलिटिकल व्यूज रखने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, अब उसमें आप इसमें धर्म की राजनीति कब तक करते रहेंगे? ऐसे ही पॉलिटिक्स में हम धर्म की राजनीति देख देख कर थक गए हैं, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को वो कुछ प्रोडक्टिव नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या जरूरत है धर्म की राजनीति? कुछ आरएसएस बीजेपी वाला इनपुट उसमें आता है खान सर जब भी बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस दो ही तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी ही है। अच्छा लगता है या तो कांग्रेस के बारे में रखे या बीजेपी के बारे में या आरएसएस के बारे में रखे, उसके विषय में वो अपना राय रखते हैं। मेरा एक सवाल जरा छात्रों से अपना राय तक पहुंचा देते हैं कि जी आशुतोष जी, जी 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 आशुतोष जी, मैं जी मेरा एक सवाल छात्रों तक पहुंचा दीजिए कि देखिए, जो स्टूडेंट्स होता है, जिस टीचर के पास पढ़ने आता है, उसके प्रभाव में आकर के बहुत सारी, हम कई बार होते हैं छोटे स्टूडेंट्स होते हैं कम उम्र के, तो वो एतराज नहीं कर पाते, लेकिन जब यही बच्चे बाहर जाएंगे 10 सालों के बाद, तो समाज में इनके एक समाज के प्रति एक नफरत होगी, एक ईर्ष्या पैदा होगी, अरे हमको तो टीचर ने पढ़ाया था कि यही समाज पंचर छाप होता है, तो ये पंचर छाप जाहिल होगा। तो आप ट्रोलर्स की भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बच्चों के ऊपर, मानसिकता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। आशुतोष पूछ लीजिए जल्दी से, वो कह रहे हैं कि ट्रोलर की भाषा बोल रहे हैं, एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, जरा पूछिए स्टूडेंट से। आपको लगता है कि खान सर एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं? जो एग्जांपल्स देते हैं वो किसी न किसी समुदाय को चोट पहुंचाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये विशेषकर देखने वालों का नजरिया है। हम लोग तो उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसी जान रहे हैं, उनका कोई ऐसा श्रेय नहीं होता। वो चाहते हैं जो तबका शिक्षा छूट गया है उसको चाहते हैं कि जुड़े और देश के विकास में योगदान दे, वो इसे नहीं चाहते। ये कहा जा रहा है कि स्कॉलर है, वो ये कह रहा है कि आप लोग बच्चे हैं, आप लोग सही चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है, क्या वाकई बच्चे हैं? मेरी उम्र 25 है, लेकिन ये सब बात जनता सब समझ रही है और स्टूडेंट भी सब समझ रहा है कि खान सर को सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बदनाम किया जा रहा है सबको, ये सब कोचिंग। आपकी उम्र कितनी है, आप बच्चे हैं? मेरी उम्र 27 है। 27 है, अब उनका कहना है, स्कॉलर का कहना है कि जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। हम उनको बता दें, ये बिहार की भूमि है, यहाँ लोगों का तजुर्बा, हम लोग बचपन से जो चीज देखते आ रहे हैं अपने समाज में कि कौन क्या कर रहा है, ये सब उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोग बच्चे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग सही चीज समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में आपको एहसास होगा कि गलत चीज आप लोगों ने पढ़ी? सर देखिए, जो भी रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो जानते होंगे कि सिलेबस कितना बड़ा है, और कोई इंसान मात्र 200 रुपए में इतना बड़ा सिलेबस क्लियर कर रहा है। इतने सारे सिलेबस हैं जिसमें आप कम से कम 12 या 13 सब्जेक्ट्स आते हैं, और आर्टिकल पॉलिटी के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, कोई भी अपना परसेप्शन और अपना व्यूज रखने की आजादी देता है। आपको लगता है कि गलत पढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, अगर आज के डेट में इस उम्र में हम यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई कर ले तो हम परिपक्व हो गए, तो हम फिर उनके उस जो स्कॉलर बैठे हैं उनके सीट पे बैठ करके फिर अपने वक्तव्य को रखे तो अच्छी बात है, लेकिन हमने जो बना वो नॉलेज लेकर के कहां से बना, कहां से बना? आज रेगुलर एग्जाम नहीं हो रहे, ना रेगुलर बीपीएससी एग्जाम हो रहे, ना यूपीएससी। ये छात्र हैं जो कि तो हम लोग खान सर से आ रहे हैं, खान सर से प्रभावित है, ये कह रहे हैं कि भाई हमें शिक्षा ले, कौन दे रहा है, उनका मजहब क्या, उससे कोई मतलब नहीं। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं हमें कोई दिक्कत आपत्ति। ताहिरा हसन जी, एक बात शबनम खान जी ने डिबेट की शुरुआत में कही थी कि प्रॉब्लम और दिक्कत उन लोगों को है जो नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मौलानाओं के पीछे भागेंगे कहां, फिर उनको कैसे भड़काया बरगलाया जाएगा, ये सब तो हो नहीं पाएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए शिक्षा के लिए तो सब हम लोग सब कह रहे हैं, और सच्चर कमेटी आने के बाद से ये बात हो रही है कि कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है और एजुकेशन पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो अमित पढ़ा रहे हो, चाहे अफजल पढ़ा रहे हो,
ये जॉन पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ा रहे हो, शिक्षक बच्चों को सही मिले इस बात पे इंफेसिस होना ये चाहिए। तो कभी हमारा देखिए शिक्षक मैं कहती हूँ शिक्षक इनके नाम पर और रिलीजियन पर कभी अच्छी बात नहीं रहा। लेकिन ताहिरा जी देखिए शोएब जमाई साहब कह रहे हैं कि एजेंडा चला रहे हैं, बीजेपी के आईटी सेल का एजेंडा चला रहे हैं खान सर। हो सकता है कल को ये भी कह दिया जाए कि बीजेपी के मेंबर है। हम एक शबनम खान मैं आ रहा हूँ, उमर जैदी जी आपके पास, शबनम खान जल्दी से। हम अपने संविधान शोएब जमाई भाई जी को पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो किसका एजेंडा चलाते हैं? शाहीन बाग वालों का एजेंडा चलाते, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते, आईएसआई का एजेंडा चलाते, ये किसका एजेंडा चलाते हैं? ये शर्जिल इमाम को भी डिफेंड करने बैठ जाते थे। बहुत दिन से आप देख रहे हैं कि इन्हें कोई घास डाल नहीं रहा था, इनकी दुकान बंद हो गई थी। जैसे आप इनको नई दुकान मिले खान सर के रूप में, इनको खोलने का शौक है, इनको शौक है कि मैं कैसे टीवी पर आऊंगा, मैं कुछ और भी चीज करूँ। जब तक मुसलमानों को आजम भाई की रोटी बनेगी, ये शाहीन बाग में कितनी लागत मिलाने से दिलवा दी, वहाँ से शर्जिल इमाम निकाल दिया। अरे बदमाश को मैं नया तरीका निकाला, थोड़ा मुसलमानों का इस्तेमाल कर सही रहेगा। मुसलमानों से थोड़ा थोड़ा जी मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही अगर हमला होता रहा कि साहब ये इस्लाम के बारे में नहीं जानता, ये एंटी मुस्लिम है, इसे क्या पता, ये एजेंडा चला रहा था, तो कल को कोई भी नौयुवक हिम्मत नहीं करेगा बच्चों को पढ़ाने की, ट्रोल हो जाएगा। आप अमर जैदी जी सुनिए बात क्या हो रही है, एक्चुअली सही बात करने की हो रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो सेकुलर है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। मैं उन खान सर के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पढ़ाए, ना कि गलत पढ़ाए। पढ़ाने सुन तो लीजिए, आप ही के साथ आप ही के को पैनलिस्ट अब शोएब जमाई साहब वो कहते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल की भाषा बोलते हैं, अब ये मुझे जरा समझाइए। आ रहा हूँ इस चीज, अब मैं आपको इस बात के ऊपर आ रहा हूँ, इस बात को मुझे समझाने दीजिएगा। हाँ। जब भी आप किसी चीज को नैरेटिव को एक्सप्लेन करते हैं, सर आप भी न्यूज बनाते हैं, आप बड़े बड़े न्यूज चैनल भी न्यूज बनाते हैं, लेकिन एक बनाने का तरीका क्या होता है, एक सेट नैरेटिव होता है कि किस कम्युनिटी को कम दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। अच्छा। ये पूरी मीडिया के अंदर चल रहा है। अगर मैं ये बोलूं आज की डेट में कि जी मीडिया जो है ना सबसे ज्यादा मोदी का एजेंडा चलाता है, सबसे ज्यादा फेक न्यूज देता है, या उनके एंकर बड़े बड़े फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन होगी। अब आप आ गए मीडिया पर सवाल उठाने के लिए, अब आप खड़े। मैं समझ गया जमात साहब इस पूरे डिबेट में हमने कौन सी ऐसी बात कर दी जो आप कह रहे हैं कि हम एक एजेंडा चला रहे हैं? सैयद जब्बार साहब थोड़ा सोच समझ कर बोलो जी। अंबर यादी जी मतलब हम खान सर को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मीडिया चुप हो जाए, अपनी जुबान बंद कर ले, अगर बोले तो साहब आप बीजेपी वालों का एजेंडा चला रहे हैं, आप तो मोदी जी का एजेंडा चला रहे हैं, आप तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, मतलब हम इस पर डिस्कस ना करें। यहाँ जो नैरेटिव 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 की बात हो रही है ना, अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो देखिए क्या जवाब मिलेगा। शबनम खान क्या कुछ सच्चाइयां हैं जो कि कड़वी लगती है कुछ लोगों को, और उस पर वो नहीं चाहते कि इस पर किसी भी तरह की कोई बहस हो। शबनम खान हमारे को दिखा नहीं रहे, डिबेट नहीं कर रहे हैं इस ऊपर। अगर आप चर्चा नहीं करते, जब आप चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि चर्चा क्यों कर रहे हो। अरे मैं इनसे दोनों से पूछ रही हूँ कि आप लोग कौन सी पार्टी का एजेंडा चला रहे हो क्या बैठकर? ये शोएब जमाई क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? ये क्या एक पर्टिकुलर तरीके की चीजें नहीं पढ़ाते? इनसे पढ़े हुए बच्चों को भी पढ़ाते हैं आप पूछते, ये तो दिमाग में क्या भर रहे हैं? कितना नहीं आया डिबेट में, पढ़ लिख करके आता हूँ मोहतरमा, पढ़ा लिखा हूँ, क्वालिफाइड हूँ, आप कितना बहस नहीं करता आकर के। मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाने का तरीका होता है हर किसी का, आधा ज्ञान खतरे जान। आप अगर किसी को आधी नॉलेज आधी इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत होगा। मैं उस चीज को सही करने की बात कर रहा हूँ, आपके तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ा गलत रहे, मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सही करिए। बताए जरा, बताना मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं, जो काम करता हूँ करता हूँ ऊपर वाले की जात से, आप की तरह नहीं काम करते हैं। आपसे एक सवाल है, उठाया जाकिर नायक पे सवाल उठाया आपने, सही बात करते हैं। जिस दिन जाकिर नायक का टॉपिक हो गया ना, उस दिन जाकिर नायक नहीं, आप बता दीजिए ना, आप ये कर रहे हैं, आप बताइए जी। शोएब जमी जी जरा बता दीजिए कि कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है खान सर के द्वारा। शोएब जमी देखिए प्रत्युष जी एक मिनट जरा, सब पैनलिस्ट को जरा सा एक मिनट सर, मेरी बारी है। प्रत्युष जी देखिए, मैंने जो ये मुहिम चलाई थी उसका सीधा सीधा मकसद था कि कुछ रियलिटीज को सामने लाना, ताकि नौजवान चौकन्ने और अलर्ट हो जाए कि कोई शख्स अगर एक एजेंडा के तहत काम करता है तो उस पर आवाज उठाना चाहिए या एतजाज करना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमने उनको जाके मारा नहीं है या किसी ने हाथ नहीं छोड़ा है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक एजेंडा चलाते हैं तो मेरा भी अधिकार है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एक एक मुहिम चलाया जाए, ताकि लोगों के सामने रियलिटी, हो सकता है इनके बहुत सारे फॉलोअर बढ़ जाए जो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हो जाएंगे और ये कामयाबी है हमारी मुहिम की। अभी शबनम खान जी पूछ रहे थे कि स्वयं की क्या पढ़ाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ाती है, यूजीसी जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिस्क्राइब की भी वही पढ़ाता हूँ, तो जाके दे करने का कभी किसी पढ़े लिखे या पीएचडी या पीएचडी किए हुए लोगों से कभी आपकी बहस हुई नहीं है। आप लोगों की आदत लग गया कि मौलवी साहब को कुछ भी बोल दो, अगर कोई दाढ़ी लगाए टोपी पहना है तो मौलवी साहब। शोएब जमी साहब आप सीनियर रिसर्चर हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन जब लेकिन 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 यही जब कुछ कुछ लोग सुन लीजिए पहले मेरी बात, कुछ लोग जो खुद को मौलवी मौलाना कहते हैं, जब वो बच्चों को गलत तालीम देते हैं, उनको बरगलाते हैं, उस वक्त शोएब जमी साहब कुछ नहीं कहते कि कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है, उस वक्त आप नहीं कहते। आपको उस वक्त भी सीना तान कर ठोक कर आना चाहिए कि गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है यहाँ पर, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कहते। हमने शाहीनबाग आंदोलन के दौरान कसम खाई थी कि जो भी आरएसएस का एजेंडा चलाएगा हम उसको बेनकाब करेंगे, और शोएब जमाई मरते दम तक उसको बेनकाब करता रहेगा। जिस चले मैं जल्दी से जैसा शोएब जमाई साहब, उतने दिनों से ये खान सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर उनके सैकड़ों आपको वीडियोस मिल जाएंगे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई शब्दावली पर, एजेंडे पर, नैरेटिव पर। 24 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तान को लेकर तहरीके लबैक को लेकर क्या कह दिया, सब लोगों के पेट में दर्द हो गया। आप कह रहे हैं एंटी इस्लाम है, इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया गया। वक्त मैंने खुद खान सर को सपोर्ट किया था और कहा था कि बहुत टैलेंटेड आदमी, इसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जब हमने इसका एजेंडे की पोल खुली और धीरे धीरे इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब पता चला कि इसकी मानसिकता क्या है। आप जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, खान सर कहते हैं कुछ लोगों को इसलिए भी तकलीफ हो रही है कि साहब आपने इसराइल का क्यों, आपने फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया, कुछ लोगों को इसलिए भी तकलीफ हो रही है। वो कह रहे मैं बच्चों को पढ़ाने यहाँ पर आया हूँ कि सपोर्ट करने आया, अपना इजहार कर सकते हैं, लेकिन एक सरकार ने कहा कि फिलिस्तीन को बचाने वाले आतंकवादी हो गए, और इजराइल जो 1967 के बाउंड्रीज को तोड़ करके बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत पूरा जायनिस्ट फैला रहा है और पूरे सबके घरों को कब्जा कर रहा है शेख जर्रा में, वो बहुत अच्छा हो गया इनके लिए, तो ये एजेंडा नहीं फैला रहे आप इंडियन गवर्नमेंट। तायरा हसन जी देखिए, धीरे धीरे चीजें खुल रही है कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। तायरा हसन जी 24 अप्रैल को पाकिस्तान का वीडियो आता है, पाकिस्तान और फ्रांस के संदर्भ में बच्चे वहां प्रोटेस्ट साइट पे जाते हैं, तहरीके लबैक को लेकर खान सर वहां पर कहते हैं दर्द यहां होने लगता है, इसराइल फिलिस्तीन पर वीडियो डालते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं किया, इसको लेकर तकलीफ हो जाती है। तायरा जी बताइए जरा, बिल्कुल गलत है, मैं कहती हूँ टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है कि एजुकेशन कैसे ऑपरेस क्लास तक पहुंचे और कैसे बच्चे पढ़े, जैसे मैंने पहले कहा था लाइफ बदल जाएगी,
पूरी पूरी लाइफ बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगा, देश बेहतर होगा। अब आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां जाके बच्चों को बताएं कि आप एजिटेशन में जाइए, आप प्रोटेस्ट में जाइए, फिलिस्तीन के जाइए, इसके जाइए, उसके जाइए, आपको इससे क्या मतलब? एक टीचर है, टीचर का काम पढ़ाना है और वो अपना काम अगर कर रहा है तो उससे कोई क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। उसको हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में वो अपने बच्चों को भेज सके, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ा सके। हर कोई चाहता है कि आईएएस आईपीएस बने, हर किसी का ख्वाब होता है, हर माँ बाप का सपना होता है, और शायद इसलिए बच्चे सुमित में जा रहे हैं। और अगर उनको वो सरल और सीधी भाषा समझ में आ रही है तो पता नहीं लोगों को दर्द क्या हो रहा। अब यहाँ पर एजेंडा नैरेटिव्स जैसी बातें यहाँ पर होने लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना